मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पर भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? नहीं। ओ, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफबीट डांसर। कुछ ज्यादा ही अकड़े हो तुम। ओके प्लीज। अरे यार, प्लीज बोल रही हो कि गेट आउट बोल रही हो? दिल से बोलो, प्यार से बोलो, एकदम एकदम सॉफ्टली बोलो ना अनन्या। प्लीज। क्या बोला? प्लीज देबो। वाह 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 वाह, कितना मीठा प्लीज था, मतलब कान में डायबिटीज हो जाए वैसा प्लीज। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके कम ऑन, आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? डांस की प्रैक्टिस करनी है हमें, बॉक्सिंग की नहीं। ये हाथ ऐसे रखो, अरे ये ऐसे रखो और अनन्या गुदगुदी होती है, आराम से। ये ठीक है? हाँ? ये यहाँ। अरे ऐसे कैसे गुदगुदी हो रही है? दांत दिखाना बंद करो, कॉन्सेंट्रेट करो। अरे सॉरी। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से करो ना। ओ, साथ में आ गए ना दोनों पैर, इसलिए। एक एक और, एक और। सॉरी। तुम्हारे साथ बॉलरूम डांस करते करते मुझे लगता है मैं वॉक करना भी भूल जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे 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 अनन्या अनन्या, देवू को एक चांस तो दो, ट्रस्ट तो करो। वेकअप अनन्या, ये तो देबू है। अब बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अनु, अरे अरे थैंक यू तो बोलते जाओ अनु। बालवीर, मुझे नहीं लगता कि आज शाम 8 बजे से पहले ही आकृति बन पाएगी। लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप धरती लोक पर आ जाइए और मेरी योजना को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। विवान तुम? हाँ मैं। देखो भैया, थोड़ी ही देर में डांस कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? एक्चुअली विवान, वो
देवो भैया, क्या हुआ? आप किस बात से नर्वस लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तब होगी चिंटू अगर तुम आज डांस कॉम्पिटिशन में नहीं जीते। मैं जरूर जीतूंगा पापा, बस आप मुझे टेंशन मत दीजिए। टेंशन तो इस कॉम्पिटिशन में बाकी पार्टिसिपेंट्स को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे भारत नगर में मैं और रे ही बेस्ट कपल बनेंगे। वाओ, लुकिंग स्मार्ट। आज तुम्हारे लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्न आने वाला है। विवान के शरीर का खून मिलने के बाद तुम तो स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल बनने वाले हो। पावरफुल बनने के बाद अपने इस लिटिल फ्रेंड को मत भूल जाना। भैया आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगी। देखो भैया आप क्या सोच रहे हो आप? विवान वो देखो भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर, तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ, एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विवान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देखो भैया आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो मुझे ये सीखना है, लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। नहीं 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 भैया ओके, अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूं। फाइन रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूं उसे वीरलोक की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी क्लोन जादू कहता हूँ। बॉडी क्लोन जादू, वेरी गुड। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बॉडी क्लोन जादू सिखा दो। ओके सो भैया अब मैं आपको ये मैजिक और मंत्र दूंगा। ओके ओके डन। अब तुम्हारे इस मैजिक से मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। पेशेंस देखो भैया, पेशेंस। किसी का भी रूप लेने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, राइट? एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी बॉडी को क्लोन करके देखें। चलिए कम ऑन। तुम्हारी बॉडी? हाँ। मतलब अगर मैं जादू करूंगा तो मैं विमान बन जाऊंगा? करेक्ट भैया, लेकिन भैया एक बात याद रखना, आपकी बॉडी दिखने में मेरी जैसी हो जाएगी लेकिन अंदर से आप देवू भैया ही रहेंगे। मतलब चॉकलेट अंदर सेम रहेगी, बाहर से रैपर बदल जाएगा। करेक्ट है भूपी। अब चलिए फोकस कीजिए और मैजिक शुरू कीजिए। कम ऑन। हाँ ओके ओके विवान। कम ऑन। भैया ये क्या लोचा कर दिया आपने? बॉडी क्लोन मैजिक को फेस एक्सटेंड मैजिक बना दिया। वो विवान, तुम तो इस मैजिक में एक्सपर्ट लेवल पर हो और मैं तो अभी भी इसमें एकदम एंट्री लेवल पर हूँ ना, इसलिए लगता है मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे विवान तुम्हारे बॉडी पर मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन आपकी बॉडी पर मेरा फेस बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। चिंता मत करो भैया, मैं अभी जल्दी से सबको ठीक कर देता हूँ, फिर अब एक और बार ट्राई करना। ओके ठीक है जल्दी करो। अरे भैया आपने कोई जादू किया क्या? अरे नहीं नहीं विवान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम कोच हो। मैंने कोई जादू, ये देखो मेरे हाथ, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। विकन नॉट भैया, मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। चल हाँ जल्दी करो। अरे विवान ये तो कुछ भी रिसेट नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी तुम्हारी बॉडी में हूँ।
मैं ट्राई करता हूँ भैया, चिंता मत करो। कहीं ये उन चिंगाई वालों की चाल तो नहीं है भैया, क्योंकि मैं मंत्र तो सही बोल रहा हूँ और जादू भी सही कर रहा हूँ, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? भारत नगर के सारे लोग आ गए, लेकिन अभी तक विवान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून 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 पसीना एक करके आप भारत नगर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया है। भगवान आप लोगों को इस अच्छे काम का बहुत ही अच्छा फल देगा। एक बात बोलो, वैसे तो मिस ब्रिगेन से आप बड़ी खड़ूस हैं, लेकिन अभी जो आपने बोला ना आयशप्पत, बहुत अच्छा बोला छान। चलिए चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते पार्टी खत्म हो जाए। कब आएगा ये महाताकतवर? महाताकतवर? महाताकतवर डांसर वही बनेगा जो इस डांस कंपटीशन को जीतेगा। अरे 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 वाह 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 मिश्रा जी, आपकी तो पूरी की पूरी फैमिली ही महाताकतवर है। मिसेस ब्रिगेंजा, हम विदेशी मक्खन जो खाते हैं। चलो चलो। Where are you, Vivan? नहीं विवान, मुझे नहीं लगता कि ये शिंकाई वालों की कोई चाल है, क्योंकि शिंकाई वाले धरती पर छुप कर आते हैं और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो धरती पर आकर बालवीर से लड़े। हाँ भैया, मैं ये सब शौर्य को बता कर आता हूँ। नहीं नहीं विवान, अगर तुम शौर्य को बताओगे तो वीरलोक में सबको पता चल जाएगा और उन सबको लगेगा कि तुम बालवीर होकर भी अपने जादू से किए हुए एरर को वापस ठीक नहीं कर पा रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बालवीर भाई पर किसी को भी शक हो। यस यू आर राइट भैया, क्योंकि अगर मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया को कैसे बचा पाऊंगा? और थोड़ी ही देर में चैरिटी इवेंट भी शुरू होने वाला है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। यू आर राइट, आप क्या करें? अरे अरे तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। अरे बाल परी, बालपरी। हाँ इतना क्या जरूरी काम है? वीर लोग चलो, सब पता चल जाएगा, चलो। अरे लेकिन मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। हाँ जल्दी करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो विवान, लेकिन अब कुछ समय तक तुम देबू के शरीर में ही रहोगे। मुझे माफ करना विवान, मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है और इस प्लान में माँ भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आए। और अब चाहे इस इवेंट में जूनियर बालवीर की बॉडी में सीनियर बालवीर जाएगा। स्वामी मुझे लगता है ये विवान महा ताकतवर नहीं महा चालाक भी है, लगता है इस रे के प्लान के ऊपर पानी फिर गया है। क्या स्वामी आप भी आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं कोई अच्छी तरकीब देता हूँ। सब्र ब्रिगेंजा सब्र। Here comes my permanent cure.
वेलकम। वेलकम विवान। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। नहीं देखो और प्रिंसिपल अघाड़ी डीन मलेश का। आई होप मैं पार्टी में लेट नहीं हुआ। तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो ब्रो। अब वो एनर्जी किलिंग मशीन तुम्हें पावरलेस कर देगी और मैं तुम्हारा प्लाज्मा ले लूंगा। उस विशेष यंत्र में जिसकी आकृति बन रही है आशंकाएं कि उस जासूस का भंडा फोड़ कर ही रहूंगा मैं। मैंने सुना कि तुम और रे पहले से एक दूसरे को जानते हो। विवान, हम पहले मिल चुके हैं। रिमेम्बर तुमने ही मेरी मॉम का क्लच मुझे वापस दिया था। हाँ हाँ हाँ। अब वो कहने प्रिंसिपल अगाड़ी, मैं नेकी कर और फॉरगेट फॉरएवर वाली कहावत पर बिलीव रखता हूँ। सो गुड 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 गुड। मैं यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला आज भी तुम्हें नेकी करने का मौका दे और तुम किसी के काम आ जाओ। सोरे तुम अपने फ्रेंड को कॉलेज और अपनी नई रिसर्च के बारे में बताओ, तब तक हम और गेस्ट को वेलकम करते हैं। यस डीन मलिष्का। चले हाँ, और हमें भी इस डांस कंपटीशन की अनाउंसमेंट जो करनी है। ओके रे यप लेट्स गो। सो विवान, तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम भारतनगर के अनडिफिटेड डांस चैंपियन। इज दैट ट्रू? क्या बात है रे, आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो तुम। आई मीन आप। अब आई नो यार विवान, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड था, लेकिन यू नो ना दिस रिसर्च एंड वायरस, सब लोग बहुत टेंस थे इस वजह से। बट टुनाइट यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। ओके ब्रो। लेकिन आप तो मुझे रिलैक्स से ज्यादा हैप्पी गो लकी नजर आ रहे हैं। हैप्पी तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, और सब कुछ ठीक रहा तो लकी भी हो जाऊंगा। मतलब मतलब मैं भी डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड आई होप टू विन। रियली? बाय द वे आपका डांस पार्टनर कौन है? रे को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट वो क्या नाम था उसका, अनन्या, शी हैज रिक्वेस्टेड मी टू बी माय डांस पार्टनर। वाह, प्रैक्टिस मेरे साथ और डांस तुम्हारे साथ, क्या हुआ? कुछ नहीं है। विवान तू यहाँ क्या कर रहा है? कंपटीशन शुरू होने वाला है, चल ना। हाँ हाँ हाँ, इस साल भी तुझे ही जीतना है, चल। हाँ हाँ, चल चल चल। क्या हुआ बालपरी, आप मुझे यहाँ वीरलोक में लेकर क्यों आई है? दरअसल शौर्य तुमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके बालपरी। देवू भैया से शौर्य को कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? मुझे जाकर उस विशेष यंत्र में देखना चाहिए कि भारत नगर में वो चमकीली रेत बिछाने वाली आकृति किसकी है। अब तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। अगर धरती पर देवू भैया ने डांस किया तो मेरी इज्जत का पास्ता ही बन जाएगा। माँ मॉम प्लस पूरी कॉलोनी वाले सोचेंगे कि चैंपियन डांसर विमान अचानक से मंकी डांसर कैसे बन गया। Oh, no.
माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस डांस इवेंट का मकसद बड़ा ही नेक है। अरे अंकल, नेकी नेकी के बारे में बाद में बताइएगा, पहले आज के डांस कॉम्पिटिशन के बारे में बताइए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आज की इस डांसिंग कॉम्पिटिशन की ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत मचल रहे हैं, बिल्कुल समुद्री मछलियों की तरह। देखिए, हमें पता है कि आप प्रिंसिपल अगाड़ी है, इसलिए आपका स्पीच जल्दी खत्म कीजिए और डांस कॉम्पिटिशन चालू कीजिए। इट्स ओके, मैं आप सब लोगों की तालियों का मतलब समझ गया हूँ, इसलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन द डांस कॉम्पिटिशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। मैं यहां पर शंकाई के जासूस को ढूंढने आया, लेकिन यहां तो मुझे स्टेज पर बुलाया जा रहा है। क्या बहाना बनाऊं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, वरना वीरलोक में विवान को शक हो सकता है। विवान, प्लीज कम ऑन स्टेज। क्राई और प्रे, विवान को अब नहीं छोड़ेगा रे।